व्हाट्सअप का इस्तेमाल है जो फिर से आ गए रेड शेडो की वीडियो लेके दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आ गया है सॉरी आने वाला है हमारा गेम का अपडेट कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी, कुछ काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ें हैं। और गेम के अंदर जो हमारा टाइम वेस्ट होता है उससे वो टाइम जो है वो बचने वाला है। तो रेड की ये वीडियो जो है अब आ गई है और अब हम इसको देखते हैं कि क्या करने वाले हैं वो इस गेम के अंदर और क्या अपडेट जो है आने वाले। थोड़ा सा कर देते हैं फॉरवर्ड कि कहां से सबसे पहले हमारा है हीरो पाथ इवेंट और आई थिंक कि ये हमें शायद बाय करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, अभी आया नहीं है। मे बी शायद बाय करने वाला हो, मे बी इसके अंदर फ्री का भी ऑप्शन हो, आपको अलग अलग तरीके से इवेंट्स करने पड़ेंगे। देखेंगे एक दो और तीन, ये तीन जो है ब्रांचेस दी गई हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपको इनमें से कोई एक चूज करनी है। जैसे कि सब किसी को वन डे एक्सपी चाहिए, किसी को अच्छी सी बुक चाहिए, अगर हम आगे जाके देखते हैं तो काफी ज्यादा अच्छे हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं रिवॉर्ड, 5-star के ग्लिफ्स हैं, अवॉइड शार्ड है, लेजेंडरी बुक्स भी हैं, जितने भी आप नीचे जाते रहेंगे उतने आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। और ये जो है आपको इवेंट्स और टूर्नामेंट्स एंड क्या कहते हैं डंजन्स वगैरह करके आपको ये सब मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं अपना को फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपग्रेड चैंपियंस गेट आर्टिफैक्ट्स एंड एक्सेसरीज, अपग्रेड आर्टिफैक्ट्स एंड एक्सेसरीज। तो ये सब आपको एक तरह से मिशंस करने होंगे, उसके बाद आप जो है इनको ये टोकन्स मिलेंगे, लाइट टोकन्स इनको कहते हैं। इनको आप क्रिएट करके आपको जैसे चैंपियन को अपग्रेड करके मे बी आपको 500 पॉइंट्स मिले, या आपको कोई डंजन में इवेंट करके आपको 1000 पॉइंट्स मिले, आप उनको एक तरीके से यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। तो एक और तरीका है कि गेम के अंदर आपको एक तरीके से फ्री स्टफ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, क्योंकि गेम चाहती है कि और भी ज़्यादा लोग खेलें और पूरे घंटों घंटों लोग गेम के अंदर बस फंसे रहें, तो ये एक और तरीका है गेम के अंदर लोगों को इन्वॉल्व करने का। Heroes Path events will combine a bunch of activities. यहाँ पे वो कह रहे हैं डंजन वगैरह से आपको मिले लाइट कॉइन, मोर क्रिएटिविटी फ्रॉम ट्रेवन कैंपेन, आप अलग अलग तरीके से यहाँ से इनको रिडीम कर सकते हैं, डंजन मैप से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें किसी चैंपियन को रैंक फिक्स करने के लिए 463 पॉइंट्स मिले हैं, मे बी शायद इतने ना मिले, ये मे बी एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हो। और आप देख सकते हैं इतने फोटो में जो आप टोकन इस तरीके से आप रिडीम कर सकते हैं। तो देखिए अपनी की से आप अनलॉक कर सकते हैं और उतने आगे पाथ पे जा सकते हैं, जौन सा आपको रिवॉर्ड चाहिए यूं यूं यूं। आई थिंक शायद आप अभी जब आएगा तभी पता चलेगा कि आप दूसरी ब्रांच पे भी शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये भी आगे जाके जब आप खुलेगा तब भी पता चलेगा। Every path will eventually lead to the event's most valuable, prestigious reward. तो ये देखिए लास्ट में हमारा लेजेंडरी बुक है, एनर्जी है, एपिक बुक है, रैंक 5 का है, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आई थिंक सब लोग इसी को ही चूज करेंगे। लेजेंडरी बुक भाई साहब बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इस तरीके से आप जो अपने चूज कर सकते हैं। इवेंट कीज हैं, आई थिंक आप यहाँ पे जाके इसको अनलॉक करेंगे तो फिर ये वाला ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से आई थिंक आप इसको आगे अपने जो आपको रिवॉर्ड चाहिए वो आप ले सकते हैं। इतनी बड़ी चेंज नहीं है पर आई थिंक कई लोगों के काम आएगा। जब आप हाइड्रा की बैटल कर लेते हैं तो आपको अच्छी नहीं लगती, मे बी आपको अच्छे डैमेज नहीं मिला या आपका कोई चैंपियन जल्दी से मर गया जो आप नहीं चाहते, तो आप क्या करते थे कि भैया रीग्रुप में जाते थे पॉज को करने के बाद। अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अगर आप अपनी की को यूज भी कर लेते हैं तो भी आप जो है यहाँ पे जाएंगे और फ्री रीग्रुप है, तो आपकी जो की वेस्ट हो गई है वो एकदम से दोबारा से रिडीम हो जाएगी। अब ये एक बार कर सकते हैं या हर की के साथ कर सकते हैं, ये जब आएगा हमारा अपडेट तभी पता चलेगा। पर अभी आप अपनी की अगर आपकी बाई चांस वेस्ट होगी, स्पेशली नए प्लेयर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते, हल्का सा कुछ लाख डैमेज से आप अपने वन चेस्ट से रह जाते हैं, तो उनके लिए आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी कि उनकी की जो है वो वेस्ट नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हमारा गेम के अंदर अपडेट है। ये तो हमारी यही बात हो गई,
नेक्स्ट आ गया टैग टीम की हमारी पेनल्टी, जो लोग हैं यहाँ पे अगर आप टैग एरिना के अंदर जाते हैं, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है अगर आपको दिखाऊं तो, जैसे कि अगर आप हफ्ते के अंदर 10 बैटल्स नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली डिमोट हो जाएंगे। सपोज कि आप जैसे कि अभी आप सिल्वर 4 में हैं टैग एरिना के अंदर और आपने अपनी 10 बैटल्स नहीं करी एक हफ्ते के अंदर, आई थिंक बहुत ही कम चांस होगा कि आप टैग एरिना हफ्ते के अंदर नहीं करेंगे। और 10 बैटल्स तो बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, आपको वैसे भी रोज़ की 5 तो करनी ही पड़ती हैं क्योंकि आपका डेली का जो मिशन होता है उसके अंदर, तो आप जो है ऑटोमेटिकली एक हफ्ते बाद डिमोट हो जाएंगे। आई थिंक ये अगेन प्लेयर्स को एक्टिव करने के लिए, कई लोग दो दो तीन तीन दिन गेम नहीं खेलते और उनको एक्टिव करने के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ कही गई है। हाँ, गेम वालों के लिए अच्छी बात है, प्लेयर्स के लिए शायद अच्छी बात ना हो, तो ऑब्वियसली गेम को पैसे कमाने हैं, जितने देर लोग गेम खेलेंगे उतना ज़्यादा गेम पैसा कमाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप जो है डिमोट हो जाएंगे। जितने हफ्ते, अगर आप 2 हफ्ते भी नहीं करेंगे तो आप सीधा सिल्वर 1 पे सिल्वर 2 पे आ जाएंगे, इस तरीके से आप जो है डिमोट होते रहेंगे। आइए और देखते हैं क्या चीज़ है। ये देखिए रिवॉर्ड्स के बारे में बात हो रही है, आई थिंक शायद रिवॉर्ड्स में भी चेंजेस होंगे, मे भी शायद कुछ सस्ता हो जाए या कुछ महंगा हो जाए, ये भी अभी पता नहीं है, पर डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस तो होंगे। तो ये दो फालतू के चैंपियंस हैं, इनका कोई फ़ायदा होता नहीं, बहुत ही सड़े से चैंपियंस हैं, आई डोंट नो कोई इनको बाय क्यों करेगा क्योंकि ये गेम के अंदर कहीं भी यूज़ नहीं होते। मे भी शायद इनसे थोड़ा सा कोई बेटर चैंपियन अगर ऐड कर ले जो फ्री टू प्ले प्लेयर्स ईजिली एक्सेस कर पाएँ, वो आराम से खरीद सकें। शुरू में हमारा जब ये इवेंट आया था तो ड्रैगस्टार ब्लड ट्विन जो हमारा HP बर्न का चैंपियन है वो यहाँ पे डाला था, जिन लोगों ने क्लेम कर लिया होगा, मोस्टली सबने क्लेम कर रखा है, मे बी जिन लोगों ने वो क्लेम कर लिया है एक नया चैंपियन और डालें, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, तो आई थिंक ये अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, ये बहुत ही बढ़िया बात है, और आई थिंक कई लोग अलग अलग टूल्स यूज करते हैं जब आप आर्टिफैक्ट को करते हैं अपग्रेड, स्लोली एकदम घंटों लग जाते हैं। अगर आपको 10 आर्टिफैक्ट अपग्रेड करने हैं लेवल 16 तक, आपको कम से कम आधा घंटा लग सकता है एटलीस्ट खाली आर्टिफैक्ट अपग्रेड करने में ही, सिल्वर तो चलो वेस्ट होता है ही। तो अब आप जो है ऐसा नहीं है, अब अपना टाइम जो है बचा सकते हैं, यहाँ पे हमारा आएगा इंस्टेंट अपग्रेड का ऑप्शन, जो आई थिंक बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो इससे जो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही बारी में अपने आप हमारा लेवल 16 हो गया। हाँ, जितना आपको सिल्वर लगता है उतना तो आपका सिल्वर लगेगा ही, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा सिल्वर कम यूज़ हो जाएगा, सिल्वर जितना 1 मिलियन 50 5 मिलियन जितना भी लगना उतना आपका लगेगा ही। गेम के अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही सेट होता है कि इतना उस आर्टिफैक्ट के लिए सिल्वर यूज़ होगा, तो इससे आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है, वरना आपको थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करनी पड़ती थी और कई सारी ऐप्स गेम ने बैन भी कर दी हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है हो गया था। तो इस तरीके से अपने आर्टिफैक्ट जो है आप अपने अपग्रेड कर सकते हैं। लास्ट चीज़ जो है ट्रंडा की आ रही है स्किन, आई थिंक ट्रंडा जहाँ तक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग चैम्पियन है और आई थिंक सब लोग इसको लेना चाहेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है शुरू में शायद ये किसी टूर्नामेंट या इवेंट से आपको लेनी पड़ेगी, जो आई थिंक वेव्स वगैरह होंगे क्रैकन्स होंगे वही इनको ले पाएंगे, और फिर 2-4 महीने बाद या कुछ महीने बाद आपको वापस से ये बाय करने का ऑप्शन होगा, और ऑब्वियसली ये महंगी स्किन ही होगी, जैसे आर्बिटर की आई थिंक $50 की थी या $35 की स्किन थी, फिर बहुत ज़्यादा महंगी स्किन होगी। अगर हम स्किन देखें तो ये हमारी टंडा की आई स्किन है, ये वाली भी काफ़ी अच्छी लग रही है, अगर आप देखें जब असली में आएगी तब पता चलेगा, सामने तो ये भी वीडियो एनिमेशन है। और एक और हमारी स्किन आई है टंडा की, ये भाई साहब इसकी आंखें देख दो, एकदम ब्लैक की तरह जल रही है गुस्से में, बहुत ही क्रेजी स्किन है, आई थिंक बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आने वाला है गेम के नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तो आई थिंक दोस्तों ये था हमारा गेम का आने वाला अपडेट, अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।